हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड इज लव। और आज हम बनाने जा रहे हैं छोले भटूरे के साथ के भटूरे। सो उसके लिए हमें ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले ही हमने लिया है 500 ग्राम्स ऑफ मैदा, 2 टेबलस्पून ऑफ सूजी, थोड़ा सा वाटर, 1 टेबलस्पून ऑफ रिफाइंड ऑयल, 1 पैकेट ऑफ फिनो, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड 2 टीस्पून ऑफ शुगर, और ये अबाउट अराउंड 200 ग्राम्स ऑफ कर्ड। अब फ्रेंड्स, इसमें हमने सारे अपने ड्राई इन्ग्रीडियंट्स डाल लिए हैं। अब हम इसमें कर्ड डालेंगे। देखिए, इसका हम अच्छा सा डो तैयार कर रहे हैं। इसे खूब सॉफ्ट तरीके से हमें बनाना है। उसके बाद हम इस पर एक म्यूसलिन का क्लॉथ डालेंगे और कम से कम 10 to 15 मिनट्स के लिए इसे हम एक गर्म जगह पर रख देंगे। देखिए, हमारा डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस पर हम ये क्लॉथ ढक देंगे और किसी गर्म जगह पर 10 to 15 मिनट्स के लिए रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डो बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम इससे अपने भटूरे बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने ये अपने डो बॉल्स रेडी कर लिए हैं और ये डस्टिंग के लिए हमने थोड़ा सा मैदा ले लिया है और अब हम इसे रोलिंग स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, इसके लिए ऑयल जो है बहुत ज़्यादा हॉट होना चाहिए, तो पहले हम इतना सा आटा लेकर टेस्ट कर लेंगे। देखिए, ये पॉप अप होके ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है ये ऑयल। तो देखिए, ये हमारे इस तरीके से भटूरा तैयार हुआ है मिलकर, और हम इसे ऑयल में डाल देंगे। इस रेसिपी से हमारा भटूरा बहुत ही फ्लफी, सॉफ्ट और फूला हुआ बनेगा। और अब इसे टर्न कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे भटूरे रेडी हो चुके हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फूड इज लव।